नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पे बात की, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, सिंधु सभ्यता के पतन की भी बात हम लोगों ने की, विभिन्न इतिहासकारों के मत निकल के सामने आए, उनमें से उपयुक्त मत की हम लोगों ने बात की कि उपयुक्त मत किसका है। तो वो हमारी सिंधु सभ्यता कंप्लीट करके अब आज हम अगली कक्षा शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि सिंधु सभ्यता के काल के बाद अपना अगला अगला पीरियड कौन सा आता है, टाइम पीरियड, वो आता है वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल की दोस्तों यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहली वैदिक काल का मतलब इसका टाइम पीरियड हमें पता होना जरूरी है। तो टाइम पीरियड की दोस्तों बात करें वैदिक काल की, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय जो होता है उसे कहते हैं वैदिक काल। देखो वैदिक काल का मतलब क्या हुआ, वैदिक, वैदिक जो शब्द है वो वेद से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है, वेद से निकला हुआ शब्द है वैदिक। और काल का अर्थ आप जानते हैं समय, काल का मतलब क्या होता है, समय। देखो वैदिक या वेदों के का समय का जो अध्ययन हम करेंगे उस समय को क्या बोलेंगे, वैदिक काल। जहां हम वेदों के समय के अध्ययन करेंगे, मतलब वेदों के समय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि वह समय जिसमें वेदों, वेद लिखे गए या वेदों की चर्चा की गई है, उस समय को ही कहा जाता है वैदिक काल। ठीक है, सीधी सी बात यह है, डेफिनेशन ये होगी हमारी वैदिक काल की। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब दोस्तों यदि बात की जाए हमारी वैदिक काल की भी, कि वैदिक काल बांटा गया है वैदिक काल को, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों उसकी चर्चा हम पहले करें कि वैदिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले चलो बातें करें वैदिक काल की, दो पार्टों में दोस्तों, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल व उत्तर वैदिक काल के मध्य वैदिक काल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों यदि ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल का जो समय काल है उससे वो हम मान के, हम लोग मानते हैं 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य, 1500 BC से 1000 BC के मध्य। ठीक है, क्लियर होगा आप सभी को, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जब क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए थे, तो शायद उस समय मैंने बताया था। तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं अब मुझे, क्योंकि आप लोग पहले इसके बारे में पहले से जानते हैं, हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल का समय 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो 1000 BC से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य, 600 ईसा पूर्व के मध्य अपना उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। ठीक है, वैदिक काल की हमने चर्चा की, वैदिक काल को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में डिवाइड करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में देखो, वैदिक काल तो केवल समय है, वैदिक काल तो क्या, मैंने आपको बताया वेदों का समय है, जिस समय वैदिक वेद लिखे गए उस समय को कहते हैं वैदिक काल। परंतु यदि बात करें हम कि वैदिक काल के अंदर हम बात चर्चा किस चीज पे करेंगे, मेनली हमारा टॉपिक जो होगा जिसपे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या अपना, तो वो अपना है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। हमें बात किस पे करनी है दोस्तों, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति पे हमें बात करनी है, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की डेफिनेशन की यदि बात की जाए तो इसकी सीधी सीधी सभ्यता और संस्कृति की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी सभ्यता एवं संस्कृति जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक काल के दौरान की गई है उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। अर्थात सभ्यता एवं संस्कृति का वह दौर जिसके जिसके बारे में या जिसकी अभिव्यक्ति हम वैदिक काल के मध्य करते हैं उसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। सीधी सीधी डेफिनेशन है, आप लोगों को वैसे राय सीधा को पूछेगा नहीं, प्रीलिम्स में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मेंस के अंदर जरूर, आप लोग अगर कोई आर एस मेंस दे रहा है, आई एस मेंस दे रहा है तो भले ही आपको भले ही पूछ ले, बट उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि सीधा सीधा आप लोगों को पता है वैदिक का नाम आते ही सब समझ जाएंगे किस समय के दौरान लिखा गया। तो इसलिए डेफिनेशन पे ध्यान देना नहीं इतना, सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि इस समय के दौरान जो वेद जिस सभ्यता एवं संस्कृति की रचना की गई वो कहा जाता है आपका वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। अब आगे अपन इसकी बात करें तो देखो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की बात करते ही अपन अपनी इस बात इस चीज की बात करें कि इस समय पे सबसे पहले अपने को देखो सिंधु सभ्यता की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता के अपने को साक्ष्य क्या मिलते हैं,
भाई विधिक सभ्यता एवं संस्कृति की बात करें तो अपने को साक्ष्य प्रमाण भी तो कुछ मिलने चाहिए उस समय के। तो देखो पुरातात्व का अभिलेख मिलते हैं हमें सिंधु सभ्यता में, पुरातात्विक अभिलेख मिलते हैं हमें, ठीक है। अभी हमने जो चर्चा की थी विभिन्न स्थलों की, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उन सभी भी आपको पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, वहां पे अभिलेख मिलते हैं उनके, ठीक है। अभिलेख नहीं कहें उसको, पुरातात्विक स्रोतों से अपने को पता चलता है, पुरातात्विक स्रोत वहां से अपने को मिलते हैं। कब मिलते हैं? सिंधु सभ्यता की बात मैं कर रहा हूँ, परंतु क्या वैदिक काल में हमें ऐसे कुछ सोर्स मिलते हैं जहां से उनके बारे में पता चले? सिंधु सभ्यता के अंदर हमें पुरातात्विक मिलते हैं, परंतु क्या वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक काल के बारे में वैसे कोई स्रोत मिलते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि नहीं, हमें वैदिक काल के बारे में ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता। इसका आंसर नहीं होगा आप लोगों का। तो चलो अगर बात करें कि वैदिक काल की हमें पता कैसे चलता है, वैदिक काल के बारे में हमारे पास क्या सोर्स है, सबसे पुराना क्या अभिलेख मिलता है हमें, तो उसकी बात दोस्तों यदि की जाए तो एशिया माइनर नामक जगह है, ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। एशिया माइनर बोल दें या तुर्की को ही एशिया माइनर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? एशिया माइनर को ही तुर्की को ही एशिया माइनर कहा जाता है। तो एशिया माइनर में बोगज गोई नामक स्थान पे आपको एक अभिलेख मिलता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आर्यों का वर्णन किया गया है। इस स्थान पे जो अभिलेख मिलता है इसमें सबसे पहले किसका वर्णन किया गया? आर्यों का। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि वैदिक काल के दौरान या वैदिक सभ्यता के दौरान हम जिनकी चर्चा करेंगे वो आर्य ही होंगे, आर्यों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। भारत में एक प्रजाति होगी, कुछ लोग रहेंगे, वो आर्य ही होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो हम बात कर रहे थे वैदिक काल की, तो ये आपको मैंने बताया एशिया माइनर तुर्की से, ही क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैदिक काल से जुड़ा है, आर्यों से जुड़ा सबसे पुराना अभिलेख हमें कहां मिलता है, तो आपको क्या बताना? एशिया माइनर तुर्की से, तुर्की में बोगजगोई नामक स्थान पर, ठीक है। यदि भारत में बात की जाए तो भारत में आर्यों से जुड़े हुए हमें अभिलेख कोई मिलता है या नहीं, तो हमें आंसर क्या देना है? आर्यों से जुड़ा हुआ कोई भी अभिलेख भारत में हम लोगों को नहीं मिलता। क्या देना है दोस्तों? भारत में आर्यों से जुड़ा हुआ कोई भी अभिलेख अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, ये आप लोगों का आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों यदि बात की जाए आगे आगे चलते हैं, हम चर्चा करेंगे इनके आर्यों के बारे में, तो आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं मैं, आपका जो बोगजोई नामक स्थान पर एशिया माइनर में जो अभिलेख मिला है उसमें हम कैसे मानते हैं आर्यों की चर्चा है। देखो उसमें वरुण, मित्र, नास्ते जैसे देवताओं, इन तीन चार देवताओं की, तीनों देवताओं की चर्चा इसमें की गई है। कौन कौन से देवताओं की? वरुण, मित्र और नास्ते जैसे देवताओं की चर्चा की गई है, और इन ही नहीं देवताओं की चर्चा हमारे ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल में भी की गई है। तो इसलिए हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये काल उन्हीं आर्यों से जुड़ा हुआ ही समय था, ठीक है। ये उन लोगों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम बात करें मेन टॉपिक पे, अपने पे आते हैं। वैदिक काल में अपने जो चर्चा करेंगे वो आपका वैदिक काल किससे जुड़ा हुआ है? आर्यों से जुड़ा हुआ है। आर्यों की चर्चा हम लोग वैदिक काल में करते हैं, तो आर्यों की अगर चर्चा करें सबसे पहले हम आर्य, तो आर्यों का अध्ययन हमें इसमें करना है। देखो आर्य की यदि आर्यों की चर्चा की जाए दोस्तों, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आर्य का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ की यदि बात की जाए तो आर्य का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? श्रेष्ठ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब जब हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे उसमें पे कुछ एक दो बार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, एक क्वेश्चन सामने आया था कि आर्य लोग किस चीज से मिलते थे, उन लोगों की क्या भाषाएं आधार पे एक थे, या फिर आर्य क्या थी, जाति थी उन लोगों की या फिर क्या थी। तो आर्यों की यदि बात की जाए कि आर्य लोग क्या थे क्या नहीं थे, तो आप लोगों को क्या बताना है? भाषा, आर्य एक भाषा है, ठीक है, भाषा अथवा गुण, न कि आर्य को जाति थी, ठीक है। आर्य अगर कोई पूछे आपसे आर्य क्या थे, कौन थे, आर्य कोई जाति या फिर कोई धर्म विशेष कोई नहीं था। अगर कोई पूछा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई आर्य कोई
स्पेशल कोई धर्म होता था या फिर कोई जाति होती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आर्य कौन थे? आर्य भाषाई आधार पर जिन लोगों की भाषाएं आपस में मिलती थी वो लोग आर्य थे, ठीक है। भाषाई भाषा के आधार पर वो लोग समानता रखते थे आपस में, भाषा बोल दे अथवा गुण बोलते हैं, मतलब एक से गुण वाले लोगों को ही आर्य कहा गया है ऋग्वेदिक काल में। एक से गुण वाले लोगों को या अथवा एक सी भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसका सीधा सिंपल सा आंसर है, ठीक है। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। तो ये तो दोस्तों थोड़ी सी छोटी सी बात बताई मैंने आप लोगों को आर्यों के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्यों के बारे में कि आर्यों का जो है मूल स्थान कहाँ से था, वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में कुछ बातें करें, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न विभिन्न मत आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्यों के बारे में। थोड़ा सा मैं बोर्ड आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्य मूलतः रहने वाले कहाँ के थे, कोई भी नहीं, बहुत सारे इतिहासकार मिलते हैं। कोई आपको तिब्बत से बताएगा, कोई आपको उत्तरी ध्रुव से बताएगा, कोई आपको जर्मनी से बताएगा, कोई आपको पामिर के पठार से बताएगा। तो विभिन्न इतिहासकारों के मत हम लोग पढ़ेंगे और उन मतों पे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए इन मतों के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो कुछ इतिहासकारों के नाम आते हैं। सबसे पहले आपके दो इतिहासकारों के नाम आएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद और अश्विन चंद्र दास। अश्विन चंद्र दास और आपका एक नाम आता है डॉक्टर संपूर्णा, डॉक्टर संपूर्णा नंद। नंद ये नाम आपका आता है। तो ये दोनों जो आपके इतिहासकार हैं, या दोनों आपके इतिहासकार हैं, क्या मानते हैं आर्यों का मूल स्थान कहां से मानते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। अब सप्त सिंधु प्रदेश क्या था साहब? अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या आता है कि सप्त सिंधु प्रदेश, ये तो नाम पहली बार सुना है, ये क्या था, कहां से था, क्या सब था? तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। देखो जैसे ये भारत है, मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये आपका भारत है, ठीक है, ये अपना भारत देश है। तो भारत में आप लोगों को पता है सिंधु, सिंधु घाटी के सिंधु के बारे में आप लोग, सिंधु नदी के बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें काफी बार सिंधु का उल्लेख आया। सिंधु प्रांत का जब बात आई तो भी मैंने बताया था आपको, सिंधु नदी जहां से बहती है उस प्रांत को क्या कहा जाता है? सिंध प्रांत कहा जाता है। तो अगर उसकी बात करें, देखो सिंधु नदी आपकी कुछ यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे कुछ बहती है, ठीक है। सिंधु और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सिंधु, व्यास, रावि, सतलज, ठीक है, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की। तो उन सहायक नदियों की यदि बात की जाए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की, तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके, एक झेलम भी इसी की सहायक नदियों में ऐसे आती है, सात नदियां, एक अपनी सरस्वती भी इसकी सहायक नदियों में ही मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो सात नदियों में सरस्वती और ये सारी नदियां आएंगी। तो ये जो इनकी सात जो नदियों का है ना, सप्त सिंधु, देखो सप्त का मतलब क्या होता है, सप्त का अर्थ होता है सात, और सिंधु का मतलब सिंधु। शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करें आप, सप्त का मतलब सात और सिंधु का मतलब सिंधु, सात सिंधु की, सात सिंधु के प्रदेश, यानी कि सात सिंधु की सात सहायक नदियों का प्रदेश जो है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। अर्थात ये जो आपका क्षेत्र है, ये वर्तमान जो पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों का पंजाब प्रांत, वर्तमान सिंध प्रांत, वर्तमान हिमालय मान लें, हिमाचल मान लें आप थोड़ा सा, और वर्तमान दिल्ली और हरियाणा, ये जो क्षेत्र आएगा आपका, ये क्षेत्र आएगा सप्त सिंधु प्रदेश। तो अश्विन चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन दोनों इतिहासकारों के द्वारा क्या माना गया, आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश माना गया। दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन इतिहासकारों के द्वारा ये मत माना गया सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल स्थान माना गया है। अब अगर अगला अगला मत अपन देखें, तो देखो एक एक ही मान ले, एक नंबर मान लेते हैं इन दोनों को। दूसरा मानते हैं डॉक्टर राजबली पांडे नामक एक इतिहासकार का नाम अपने सामने आता है, राजबली पांडे। तो सब राजबली पांडे जी क्या मानते हैं, मध्य देश, यानी कि मध्य देश, मध्य देश। अब मध्य देश क्या से क्या समझे दोस्तों, मध्य देश का मतलब आप क्वेश्चन आता है कि मध्य देश आप कौन सा क्षेत्र था मध्य देश, तो मध्य देश की यदि बात की जाए तो वर्तमान का जो आपका ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, अर्थात राजस्थान के बगल में या वर्तमान में जो आपका मध्य प्रदेश है और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसे माना गया था मध्य देश, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन वाला है नहीं, मध्य देश तो आपको मध्य प्रदेश या मध्य देश बोल दें एक ही बात है,
तो आप लोगों को आसानी से राजबली पांडे जी का याद मत आपको याद रह जाएगा। अगर अगले मत की अपन बात करें तो एक नाम आता है गंगानाथ झा। किसका नाम आता है दोस्तों? गंगानाथ झा का नाम आपके सामने आता है, नाथ झा। गंगानाथ झा जी ने कौन सा स्थान माना है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। कौन सा दोस्तों? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश का नाम आप लोगों के सामने आता है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश या ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, अब दोस्तों ब्रह्म ऋषि देश की मैं बात करता हूं आप लोगों से सामने कि आप लोगों से कि ब्रह्म ऋषि देश जो था वो कौन सा देश था। ठीक है, देखो ब्रह्म ऋषि देश माना गया है सरस्वती, मैं आपको देखो लिख देता हूं एक बार, सरस्वती व दृश्यदत्त नदियों, सरस्वती व दृश्यदत्त नदियों का क्षेत्र। देखो सरस्वती को ही वर्तमान में दृश्यदत्त भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है सरस्वती को ही वर्तमान में दृश्यदत्त कहा जाता है। और सरस्वती किसे कहा जाता है? तो वर्तमान घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र माना जाता है कि प्राचीन काल में या ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी उसी क्षेत्र से होके आपके बहती थी। ठीक है, वर्तमान के उसी क्षेत्र से होके बहती थी। और सैटेलाइट्स के पहले तो देखो इतिहासकार उसको मानते नहीं थे, कई लोगों द्वारा नहीं माना गया साइंटिस्टों द्वारा, परंतु सैटेलाइट्स के द्वारा सरस्वती का जो प्राचीन मार्ग था वो मार्ग खोजा गया, उससे उन लोगों ने मान लिया कि हाँ ये सरस्वती नदी यहाँ से होकर बहती थी। उसके अलावा दोस्तों जैसलमेर के अंदर एक लाठी प्रदेश मिलता है आप लोगों को, है ना, एक लाठी क्षेत्र, एक ऐसी 60 किलोमीटर की बेल्ट है जहाँ पे पानी के प्रचुर भंडार मिले हैं, मतलब वहां पे बोरवेल आप लोगों ने करवाई तो खूब पानी है। तो ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी निकलती थी, जबकि उसके चारों तरफ का सारा क्षेत्र जो है वो बंजर क्षेत्र है, वहां पे पानी की बिल्कुल किल्लत है बहुत ज्यादा, तो वहीं से पानी की सप्लाई की जाती है। तो इसलिए क्या माना गया कि सरस्वती का बेल्ट था। देखो सरस्वती की बेल्ट की यदि बात करें तो वही हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर इधर से होती हुई इधर की साइड में आके अरब की सागर की साइड आती हो। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा था आपका? ये अरब की सागर में आकर गिर जाती थी यहाँ पे, तो ये क्षेत्र कौन सा था आपका दोस्तों? ये आपका था अब राजस्थान और हरियाणा का थोड़ा सा पार्ट। तो इनके द्वारा जो इन दोनों नदियों के द्वारा या इस नदी के द्वारा जो सिंचित प्रदेश था उसको माना गया है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो ये था दोस्तों अगला मत। अब अगर हम बात करें तीसरे मत की तो शायद मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो दोनों मत आप लोग याद रख लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दो मत, तीन मत अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तीन इतिहासकारों ने कहां कहां से क्या माना है। अब अगला नाम आप लोगों के सामने आएगा एलडी कल्ला। एलडी कल्ला नामक इतिहासकार का नाम आप लोगों के सामने आएगा, चौथा मत जो आपका एलडी कल्ला। तो एलडी कल्ला जी क्या मानते हैं? एलडी कल्ला जी मानते हैं कि कश्मीर, सब कश्मीर को मानते थे। क्या मान के चलते थे? इनका मानना क्या था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो कश्मीर था, ये ऐसा मानते थे। कश्मीर आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में, ये अपना कश्मीर है, वर्तमान जो कश्मीर है वो क्षेत्र मान के चलते थे। तो दोस्तों अगर अगले इतिहासकार की हम बात करें तो आपका नाम आएगा डी एस द्विवेदी। तो ये क्या मानते हैं साहब? देविका नदी का क्षेत्र। तो साहब तो आप में से बहुत से लोग पूछेंगे सर ये देविका नदी का क्षेत्र का तो नाम आज पहली बार सुना है, देविका नदी का नाम पहली बार सुना है। तो चलो पहली बार सुना है तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। देखो मुल्तान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मुल्तान का नाम ऐसे नहीं सुना तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन लोगों को तो शायद मेनली पता ही होगा। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? इसका जवाब होगा वीरेंद्र सहवाग। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे 13 शतक लगाया था। तो क्रिकेट प्रेमियों से तो ये नाम अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं मैं। देखो पंजाब प्रांत की मैंने बात की थी अपनी जो लास्ट क्लास थी सिंधु सभ्यता की, उसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के 4 प्रांतों की चर्चा मैंने उसमें की थी। तो एक बार चलो दोबारा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं उनके बारे में कौन से प्रांत थे क्या था। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए भारत का मैप है दोस्तों, ये अपना इंडिया का मैप है। ठीक है, तो इंडिया के मैप में यदि बात की जाए थोड़ा सा इरेज करके दोबारा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोलेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से इंडिया लग रहा है आपको। देखो चलो ये मान लीजिए आपका इंडिया का मैप है, तो मैंने आपको 4 प्रांत बताए थे, तो इन 4 में से देखिए ये जो बगल वाला प्रांत है ये तो उसको तो बोला जाता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, ये मैंने बताया था आपको सिंध प्रांत,
ये मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान या बलूचिस्तान को बलूचिस्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बलूच जनजाति निवास करती है, ठीक है, बलूच जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको बलूचिस्तान कहा जाता है। और मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि यहाँ ये यहाँ का अशांत क्षेत्र रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अलगाववाद के लिए प्रयास करते रहते हैं बार बार, जैसे अपने कश्मीर में लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी दो आज़ादी दो, वैसे यहाँ पे चलता रहता है। तो आपने चलो इसकी थोड़ा सा बताऊँ आपको, मैं पिछले दिनों एक नाम चर्चा में रहा था, कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत का कुलभूषण जाधव। हम लोगों ने कहा था कि हमारे इंडियन नेवी में से है, और आजकल वहां पे रिटायर होके वो क्या कर रहे हैं, वो व्यापार वहां पे व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। कुलभूषण जाधव जी के बारे में कहा था, इनको पकड़ लिया था पाकिस्तान के लोगों ने, और पाकिस्तान ने क्या कहा था कि ये जासूस है, यहाँ से बलूचिस्तान से ही पकड़ा था उन्हें, कराची पोर्ट यहीं पे स्थित है, ठीक है, कराची पोर्ट देखो यहाँ पे अपना अरब सागर है, तो कराची पोर्ट बलूचिस्तान में स्थित है, तो वहां से इनको पकड़ा था, तो उसी बलूचिस्तान की बात है। देखो तीन प्रांतों की बात कर ली अपन ने, पंजाब, सिंध, बलूच, और ये जो ऊपर वाला प्रांत है इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा, तो इसमें से देखो अपन बात कर रहे थे देविका नदी का क्षेत्र, तो देविका नदी क्षेत्र की बात करें अपन, तो मुल्तान का सुल्तान, तो मुल्तान अपने जो यहाँ जो पाकिस्तान का जो प्रांत पंजाब है, इसके अंदर एक स्थान है मुल्तान, आधा लय आएगा इसमें मुल्तान, तो मुल्तान के अंदर देविका नदी बहती है, कौन सी नदी, देविका नदी बहती है, उस देविका नदी का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है कौन सा, इसने डीएस त्रिवेदी जी ने क्या माना है, आर्यों का मूल निवास स्थान देविका नदी का जो क्षेत्र है उसको माना है दोस्तों, ठीक है। तो अपने पांच इतिहासकारों के मत मैंने बता दिया आपको, पांच के मत की बात हमने कर ली, छठा मत का अपन बात करते हैं, एक इतिहासकार थे गाइलस, तो साहब गाइलस जी ने क्या माना, गाइलस जी ने हंगरी, हंगरी नामक एक देश है, तो हंगरी को माना कि इस आर्यों का मूल मूल स्थान कौन सा था, हंगरी आर्यों का मूल स्थान था, ठीक है। अब चलो दोस्तों सातवां अगर आप लोगों का जो मत आता है वो एक इतिहासकार का नाम आता है जेजी रोड, ठीक है, क्या नाम आता है आपका, जेजी रोड, जेजी रोड, तो साहब इन्होंने क्या माना, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया प्रदेश जो है, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया को माना साहब कि ये आर्यों का मूल स्थान था, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है, जे जी रोड, एक जीबी रोड की अपन ने बात की थी, ग्रांड टंक रोड की, जीटी रोड की बात की थी अपन ने, ग्रांड टंक रोड की, ठीक है, तो उसी तरह जे जी रोड, तो थोड़ा सा याद करने में आसान रहेगा आप लोगों को, जे जी रोड, बैक्टीरिया, गाइलस, हंगरी, बीएस त्रिवेदी, देविका नदी का क्षेत्र, और एल डी कल्ला, कैसे कल्ला कैसे कश्मीर, थोड़ा सा याद रखे ना। तो ये कुछ कुल सात मत तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब अगर अपन आठवें की बात करें तो आठवें में अपना कौन आएगा, इरेज कर देता हूँ एक बार में इसे, आठवां अपना बाल गंगाधर जी का नाम सुना है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कुछ अपने मत दिए आर्यों के बारे में, क्योंकि भारतीय देखो मानते हैं ना कि हम लोग भी आर्य हैं, आर्यों की संतान है, कौन कौन मानते हैं शुद्ध आर्य कौन है, भारतीय कहते हैं कि इंडियंस या तो शुद्ध आर्य हम लोग हैं, या फिर जर्मन्स कहते हैं कि या तो शुद्ध आर्य हम लोग हैं, या फिर इंडियंस ही शुद्ध आर्य हैं, ठीक है, तो इसलिए भारत हम लोग अपने आप को आर्य मानते हैं, तो उन्होंने क्या माना, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का उद्गम, उद्गम मतलब मूल स्थान माना, कि आर्यों का उद्गम वहां से हुआ है और वो लोग वहां से आए हैं, ठीक है। ये आठ मत हम लोगों ने पढ़े अभी तक, चलो एक थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को मैं, बाल गंगाधर जी की किताब कौन सी है, आर्कटिक द होम ऑफ वेदाज, ठीक है, क्या क्या कौन सी किताब आपकी, आर्कटिक द होम ऑफ वेदाज, कि वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनका मूल स्थान क्या है, उनका मूल मूल निवास स्थान क्या है, ठीक है, आर्कटिक, आर्कटिक किस लिए किसका नाम लिया गया, अगर आर्कटिक, आर्कटिक का मतलब क्या होता है, आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव को कहा है उसको कहा जाता है आर्कटिक, ठीक है। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रखी है, मेरे से अच्छी ज्योग्राफी जानते हैं, उसका तो खैर मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आठ मतों पर हम लोगों ने चर्चा की, अब नोवा जो आपका मत होगा वो है एडवर्ड मेयर, तो एडवर्ड मेयर जी जो हैं वो क्या मानते हैं, पामीर का पठार, पामीर पठार को मानते हैं आर्यों का मूल स्थान, ठीक है, पामीर का पठार, इसे विश्व की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग विश्व की छत, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचा पठार यही है, पठार अपने समतल होते हैं मैदानों की तरफ, मतलब ऊंचाई पे जाके फिर होते हैं,
कुछ यूं होते हैं ना पठार, ऐसे जाके ऊपर ऐसे ऊंचा उठी हुई जगह होती है और समतल जगह, तो उसको पठार बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ज्योग्राफी बीच में घुस दी मैंने, तो 9 मत हम लोग अभी तक पढ़ चुके। अब दोस्तों 10वां और सबसे ऑथेंटिक मत हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है? एक मिनट, वो थोड़ा सा, दो तीन इतिहासकारों के नाम आएंगे उसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो 10 9 9 इतिहासकारों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ा। अब 10 10 क्यूए के अंदर 3 इतिहासकारों के नाम आते हैं। देखो, मैक्स मूलर, प्रोफेसर सेयस और बैंडस्टीन। प्रोफेसर सेयस और बैंडस्टीन, तो दोस्तों ये 3 जो इतिहासकार थे अपने, कौन कौन से? मैक्स मूलर का नाम तो पहले ही सुन रखा होगा आप लोगों ने। मैक्स मूलर, प्रोफेसर सेयस और बैंडस्टीन, ये तीनों इतिहासकार क्या मानते हैं? इन तीनों इतिहासकारों का दोस्तों मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। मध्य एशिया को ये लोग आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान मानते हैं, मध्य एशिया। अब दोस्तों मध्य एशिया में देखो, वैसे आरएस प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूं एक बार, आरएस प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इन मतों में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होली मान लीजिए कि आप लोगों से इस बार फ्री रिपीट कर दिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि काफी साल हो गए, 7 साल हो गए पहले भी, 7 के 8 ही मान लीजिए, 2020 स्टार्ट हो जाने वाला है आप लोगों का, जब तक एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो मैक्स मूलर, प्रोफेसर सेयस और बैंडस्टीन, तीनों के नाम आप क्वेश्चन में दे दे और चौथा नाम और दे दे, पूछे कि इन तीनों, इनमें से कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को नहीं मानता। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को देख लेना है और चौथा जो उसको सही आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी अपनी इसके बारे में बात। देखो मध्य एशिया की बात करी जाए तो मध्य एशिया, देखो विभिन्न इतिहासकारों के अंदर मतभेद होते हुए भी मध्य एशिया का जो मत है, सबसे उपयुक्त मत भी इसी को माना जाता है। सबसे उपयुक्त मत इतिहासकारों के द्वारा कौन सा माना जाता है? यही माना जाता है कि मध्य एशिया ही सबसे उपयुक्त जगह है। तो इसमें से भी सबसे मध्य एशिया में भी कौन सी जगह है? मध्य एशिया में आपको मैंने बताया था कल लास्ट क्लास के अंदर कि मध्य एशिया के अंदर 5 देश आते हैं अपने, ठीक है। तो इनमें से भी एक देश आएगा अपने मध्य एशिया में, एक देश आएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के भी दक्षिण में जुराल पर्वत लिख देता हूं मैं, दक्षिण की कहां जरूरत पड़ रही है। कजाकिस्तान के साउथ में क्या स्थित है आपका? जुराल पर्वत। और जुराल पर्वत के भी नीचे क्या? स्टेपी के मैदान। स्टेपी घास होती है छोटी छोटी, ठीक है, स्टेपी छोटी छोटी घास होती है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आपको कई मैदान मिलेंगे विश्व में, तो उनमें से एक है स्टेपी के मैदान। तो ये जो मध्य एशिया में कजाकिस्तान के दक्षिण में जुराल पर्वत है, इनके पास में स्टेपी के जो मैदान है, वहां से माना जाता है आर्यों का उद्गम, कि आर्य वहां से हिंदुस्तान भारत में आए थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आर्यों के बारे में चर्चा थी। तो आपको स्टेपी और कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैप से समझाने का प्रयास करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों के दिमाग में फ्रेमवर्क चलेगा। तो प्लीज सर मैप दिखाइए, दिखाने का प्रयास करें। तो मैप अभी आप लोगों के सामने आ रहा है, उस मैप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ स्वागत है दोस्तों। हाँ देखिए, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा सर मैप कीजिए, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा चाइना के बगल में चलिए अपन, बड़ा सा लिखा दिख रहा होगा आप लोगों को कजाकिस्तान। दोस्तों देखने का प्रयास करें, देखिए आप, आपको चाइना के बगल में लेफ्ट साइड में रशिया के जस्ट नीचे आपको कजाकिस्तान लिखा हुआ दिखेगा। हाँ अभी दिख रहा है, रशिया एशिया लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऊपर रशिया उसके नीचे एशिया, उसके जस्ट नीचे देखिए आप कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, बड़ा सा लाल कलर का, थोड़ा थोड़ा रेडिश। अपने इंडिया से थोड़ा सा ऊपर उस कजाकिस्तान के नीचे साउथ में आप आएंगे दक्षिण में, तो आपको एक दो छोटे छोटे देश और दिख रहे होंगे, 2-3, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे कुछ देश हैं। तो उन देशों के आसपास में जो आपको दिख रहा है, वहां पे अपने क्या है, ये स्टेपी के जुराल पर्वत स्थित है वहां पे, और उन जुराल पर्वतों के भी दक्षिण नीचे साउथ में क्या अपना, ये जो अपने स्टेपी के मैदान है ये स्थित है। और यहाँ स्टेपी के मैदानों से क्या माना जाता है, स्टेपी के मैदानों से ही इनको आर्यों का उद्गम माना जाता है। तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद होने के बावजूद भी आर्यों का उद्गम कहाँ से माना गया है, स्टेपी के मैदानों से, या फिर मध्य एशिया से। मध्य एशिया में भी कहाँ से, मध्य एशिया में अपने कजाकिस्तान से आर्यों का उद्गम माना गया है। तो आपको बस आंसर आपसे पूछेगा क्या, मध्य एशिया के बारे में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो सर प्लीज इसको हटा दीजिए, इस डायग्राम को हटा दीजिए। तो ये तो थी दोस्तों आज की चर्चा, आज अभी तक हमने चर्चा की आर्यों के बारे में, कुछ मत मैंने आपको बताया, शायद बहुत ही कम बुक्स में या फिर टीचर्स के द्वारा आप लोगों के मत देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले भी कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने आपको कुछ डिफरेंट औरों से
अलग देने का प्रयास किया है, अलग पढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छी क्लास लग रही हो, तो एक बार आपके कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग देखो, आप लोगों से मेरी एक अपील और है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को इसको शेयर करें, आपके जो दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचाएँ, ठीक है। उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचाएँ और उन लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे आप, उससे क्या होगा, उससे उन लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ ठीक है, उन लोगों को कुछ अच्छा सीखने को, नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने बात कर ली वैदिक काल की, वैदिक काल के बारे में, उसके दो पार्टों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में क्या पढ़ा हमने, आर्यों के बारे में बात की और आर्यों का भी उद्गम कहाँ से हुआ, हमने उसके बारे में कुछ विभिन्न मत पढ़े इतिहासकारों के, ठीक है। अब उन मतों की बात करें, अब अगला उससे आगे अपन क्या बात करेंगे, उससे आगे अपन बात करेंगे वैदिक साहित्य की, क्या बात करनी है दोस्तों उससे आगे अपने को, उससे आगे दोस्तों हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। अब अगर वैदिक काल की दोस्तों हम बात करते हैं, तो वैदिक काल में सबसे मेन चीज आती क्या है भैया, तो हमें पता चल गया कि वैदिक काल में कौन थे, कौन लोग थे, वैदिक काल के अंदर आर्य आर्य यहाँ पे आए थे, आर्य आए थे और आर्यों के बाद में भी हमने बात की वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य पे हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में बताता हूँ। तो आज की क्लास जो है हम थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे, बिकॉज अर्जेंट वर्क की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं वैदिक साहित्य के बारे में बताता हूँ। वैदिक साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य के बारे से नाम से वैदिक साहित्य को जाना जाता है। और दोस्तों क्यों जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि आर्य जो थे, जिनके बारे में हमने चर्चा की, आर्यों को लिपि का ज्ञान, पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं था, वो लोग सुनकर ही किसी चीज को याद रखते थे और एक से दूसरे लोगों को सुनाते थे, कहानी टाइप जानते हैं, जैसे अभी अपने को, जैसे अपने को दादा परदादा या फिर नाना नानी लोग जो कहानियां सुनाते हैं, फिर हम कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, अपने पोतों को सुनाएंगे, हमारे से उनसे हमने सीखी, हमसे उन्होंने सीखी, फिर वो अपने बच्चों पोतों को सिखाएंगे। उसी प्रकार आर्य जो थे, उन्होंने वैदिक साहित्य क्या किया, उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखते नहीं थे वो लोग, वो लोग सुन के याद रखते थे और एक दूसरे को सुनाते थे, उसी प्रकार वैदिक साहित्य लिखे गए, ठीक है। वैदिक साहित्य में किसे इंक्लूड किया जाता है, वैदिक साहित्य में देखो चार चीजें इंक्लूड की जाती है। वैसे मैंने बताया था इसके बारे में जब अपन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, एक क्वेश्चन भी जिनसे जुड़ा हुआ अपने सामने आया था। तो वैदिक साहित्य में चार चीजें इंक्लूड होंगी, वेद, सबसे पहले वेद होंगे आपके, वेद में कितने वेद होंगे, चारों वेद आएंगे अपने। उसके बाद में आपके ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, क्या आएंगे आपके, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। उसके बाद में आपके आरण्यक आएंगे और लास्ट में दोस्तों अपने अपन चर्चा करेंगे उपनिषदों के बारे में, ठीक है। तो ये दोस्तों चार चीजें जो हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है वैदिक साहित्य के अंदर, किन किन की चर्चा करनी है एक बार दिमाग में देखो। किसी चीज को अपने स्टार्ट करने से पहले, मान लीजिए आपने सब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए अपना सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी अपने वैदिक साहित्य के अंदर हमें पता होना चाहिए वैदिक साहित्य में आता क्या क्या है, क्या क्या आता है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार चीजें आपकी आती हैं। पर क्या नहीं आता आपका, वेदांग नहीं आते हैं, रामायण महाभारत नहीं आती है, धर्मशास्त्र नहीं आते हैं, पुराण नहीं आते हैं, क्या शामिल नहीं होगा, वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है, छह, इनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पुराण या धर्मशास्त्र भी बोलते हैं पुराणों को, ठीक है, धर्मशास्त्र। उसके अलावा कौन से अपने, रामायण महाभारत, रामायण व महाभारत, क्या क्या बताया मैंने आपको, वेदांग बताए, ठीक है, आरण्यक वेदांग बताए, पुराण बताए, रामायण महाभारत बताई, ठीक है, धर्मशास्त्र बताए। धर्मशास्त्रों को स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है, स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है, स्मृति ग्रंथ बोल दें या फिर धर्मशास्त्र बोल दें, एक ही बात है। तो ये चार चीजें जो है इनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इनसे अलग है, ठीक है। वैदिक साहित्य की चर्चा यदि की जाए तो आप ऐसा मत सोचना कि वेदों के अंदर अपन रामायण महाभारत का भी अध्ययन करेंगे, पुराणों का भी अध्ययन करेंगे, वेदांगों का भी अध्ययन करेंगे, स्मृति ग्रंथ हो गया, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे, नहीं, ये गलत, ये चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है। आप लोगों को ये चीज पहले दिमाग में रखनी है, अपने को क्या पढ़ना है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों आज की क्लास को यही विराम देते हुए नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में और वेदों के भी चारों पार्टों में बात करेंगे, फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और मैं आपसे लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को भी सेंड करें, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास।